न्याय पत्र या मोदी की गारंटी। या लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया, राहुल खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 25 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया है। इसमें मनरेगा मजदूरी 400 रुपए दिन करने और गरीब परिवार की महिला को साल में 1,00,000 रुपए देने, MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का वायदा किया गया है। मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया गया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वायदा किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरों की तरह घोषणा पत्र जारी नहीं करती। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस ने किए घोषणा पत्र में लंबे चौड़े वादे तो कर दिए, लेकिन इनको पूरा करने का रोड मैप क्या है? अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या कांग्रेस घोषणा पत्र में किए वायदों को पूरा कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता किस पर भरोसा करेगी, कांग्रेस के न्याय पत्र पर या फिर मोदी की गारंटी पर? अपने खास शो माहौल टाइट में लोगों से ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया, यानी आज जो जारी किया, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके अध्यक्ष खड़गे, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 25 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। वहीं पीएम मोदी ने चूरू की रैली से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा और केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। कहती है वो जरूर करती है, दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से जारी किया। खड़गे ने कहा कि इसमें 10 न्याय और 25 गारंटी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में जा रहे तो 30,00,000 नौकरी का वायदा किया है। यह कांग्रेस का घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से जारी किया। खड़गे ने कहा कि इसमें 10 न्याय और 25 गारंटी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में जा रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहाँ कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्या कुछ कहा, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है, दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे कि न्याय पत्र या मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करेगी या नहीं। आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जगह से जुड़ गए। लखनऊ से हमारे साथ मयूर शुक्ला रहेंगे जो पब्लिक के बीच है, विजय कुमार नोएडा से रहेंगे वो भी पब्लिक के बीच है, उन्नाव से ज्ञानेंद्र प्रताप हमारे साथ रहेंगे, रायबरेली से सैयद अख्तर हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मयूर, कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया, लेकिन लोगों से पूछिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता भरोसा करेगी या मोदी की गारंटी पर? बिल्कुल, देखिए न्याय पत्र वर्सेस संकल्प पत्र इस बार चुनाव में होने जा रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको संकल्प पत्र कहती है। संकल्प यानी कि जो वादा किया है उसको निभाएंगे, लेकिन लखनऊ की जनता इसको क्या मानती है उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता जी, ये बताइए कांग्रेस का न्याय पत्र या फिर मोदी की गारंटी, इनका संकल्प पत्र?
मोदी जी की गारंटी, सबका साथ सबका विश्वास, आज देश बदल रहा है। आप देखिए पूरा देश बदल रहा, कितना विकास हो गया है। देश बदल रहा है, विकास हो रहा है। हाँ सर, विकास हो रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है सर। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आज आया है जिसको न्याय पत्र कह रहे हैं, उसके लिए क्या कहिए? उसको वो तो अलग बात है, जो विकास जो हो रहा है, विकास मुद्दा मैं बता रहा हूँ सर। जो वर्तमान सरकार में यूपी में जो केंद्र में विकास हो रहा है साहब, खुलेआम बहन बेटियों की इज्जत लुटा जा रहा है, प्रथम विकास, नौकरों को लाठी डंडा मरवाया जा रहा है, पेपर लिख करवा जाए पहला, दूसरा विकास, और उत्तर प्रदेश में एक कंपनी कारखाना नहीं खुला है, तीसरा विकास। ये जो कह रहे हैं आप, इससे आप इससे सहमत हैं? अरे भैया देखिए, जो अपराध किया जिसने उसको सजा मिल गई, जिसने अपराध किया, जिसने पर्चा लीक किया, वो गिरफ्तार आज की डेट में जेल में है, समझे। यहाँ तो पहले जो अपराध होते थे वो खुलेआम आजाद घुमा करते थे, अब तो जो अपराध करता है सीधा जेल जाता है। जो न्याय यात्रा बता रहे हैं 49 साल, जो न्याय पत्र उनका जो है 49 साल तक इतने घोषणा किए, घोषणा पत्र इतने छपे, चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते थे। उन्हीं के जो उनका ये रायबरेली और अमेठी इनका जो गढ़ माना जाता था, वहाँ की सड़कें एक समय थे, हम लोग कांवड़ लेकर जाते थे, कांवड़िया इतना 100 किलोमीटर, वहाँ हैदरगढ़ से डलमऊ औसानेश्वर जल चढ़ाने पैदल जाते थे। वहाँ की रोडें इस तरह की खस्ता हाल थी कि आदमी चल नहीं सकता था, हमारे पैर में इतनी इतनी कील, वो पत्थर। कह रहे हैं जो कांग्रेस का गढ़ रहा है वहाँ तो विकास आज तक हुआ नहीं, तो देश में क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये देश में विकास बहुत हुआ है। और हम लोग क्या ये है कि मानना कि यूथ भी बीजेपी के साथ है और रहेगा। बीजेपी के साथ है, आप किसके साथ? मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। बीजेपी ने क्या किया है 10 साल में? वादा खिलाफी, पुरखा पुरनिया का बनाया हुआ सब बेचा है। भाजपा एक चीज दिखा दे पूरे भारत में, चैलेंज मैं करता हूँ, एक कारखाना कंपनी खोल करके 1000-2000 की नौकरी दिया हुआ, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भाजपा को दूंगा। इन्होंने किया कुछ नहीं, बेचा सब कुछ। आपको भारतीय जनता पार्टी का विकास अभी दिखाई नहीं दे रहा? सरकार का काम दिखाई दे रहा है साहब। कोर्ट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना है और यहाँ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश कोई नहीं खोले, सुनिए, ये मिर्जापुर से आज यहाँ पे आ रहे हैं, कभी जीवन में नहीं दिखे। मिर्जापुर से आज आ रहे हैं, उन्हीं सड़कों से आ रहे हैं और इन सड़कों का फायदा उठा रहे हैं। कभी नहीं आते थे, आने से पहले लाख बार सोचते रहे होंगे लखनऊ आने। मिर्जापुर राम मंदिर बोल रहे हैं आप, नकली राम पुजारी, हम लोग का असली राम मंदिर, असली राम भक्त है। कैसे रोड की बात कर रहे हैं भाई साहब ना? अब आइए जनपद चंदौली में सकलडीहा रोड पर 8 किलोमीटर रोड इतना गड्ढा है कि डेली एक्सीडेंट हो रहा है इनके सरकार में। और सुनिए काका, सुनिए काका, ये कह रहे हैं ये असली, क्या नाम है? मेरा घंटा वो नाम है, कहां से आए? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला असली पुजारी राम के आदिवासी है। चलिए मैं आऊंगा, लौटूंगा मयूर, मयूर आपके पास लौटूंगा। देखिए गर्मा गर्म चर्चा हो रही है कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, घोषणा पत्र है, और फिर मोदी की गारंटी पर मैं लौटूंगा। हमारे साथ उन्नाव से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं जल्दी से। लखनऊ से सटे उन्नाव में क्या स्थिति है इसको लेकर जरा बात करिएगा ज्ञानेंद्र लोगों से। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज कांग्रेस ने जो अपना न्याय पत्र जारी किया है घोषणा पत्र के रूप में, और जो मोदी लगातार गारंटी दे रहे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो सीधे सियासत से भी जुड़े हैं और आम लोग भी हैं। इस पर इनकी क्या राय है हम जान लेते हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया, 5 न्याय और उसके साथ 25 गारंटियां, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उस घोषणा पत्र का स्वागत करता हूं। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को अगर आप गौर से देखेंगे तो कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में समाज के आम नागरिक के हित की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है, महिलाओं के उत्थान के लिए बात की है। हमारे देश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सम्मान की बात की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पहला सवाल भी तो कई घोषणाओं के साथ ये किया है कि हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशनर्स हैं, जो विकलांग हैं, आज की गवर्नमेंट उनको जो पेंशन दे रही है, चुनाव पे पड़ेगा इसका? बिल्कुल निश्चित पड़ेगा, चुनाव पड़ेगा। चुनाव पे कांग्रेस का जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ या मोदी की गारंटी, किसका असर नजर? चुनाव में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 4 बातें महत्वपूर्ण। पहली बात, मोदी जी ने कहा कि अगर हम, कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम जो जांच एजेंसी है उनके पावर को कम करेंगे, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बन गई तो वन नेशन और वन इलेक्शन को हम खत्म करेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा जो चुनाव सत्ता से जीतते हैं, किसी दल से जीतते हैं और दूसरे दल में चले जाते हैं, उनकी सदस्यता को खत्म करने का प्रयास करेंगे। और चौथा, उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर और जो चल रहा है इस पर हम रोक लगाएंगे।
आप उनके घोषणा पत्र से दे सकते हैं। और मोदी की गारंटी सीएए गारंटी है, श्री राम मंदिर गारंटी है, विधवा महिला जो गरीब महिला है उसको आवास देने की गारंटी, खुले में शौच से मुक्त देने की गारंटी जो करके दे दिया उन्होंने, गरीब को आयुष्मान कार्ड देने की गारंटी। सहमत है देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र नहीं घोटाला पत्र है। 2004 से 2014 के बीच का जो उनका कार्यकाल रहा है वो पूरी तरह से घोटालों का कार्यकाल रहा है। मोदी जी का 2014 से 2024 का जो कार्यकाल रहा है वो संकल्प, हम घोषणा पत्र नहीं देते, हम संकल्प पत्र देते हैं। ये संकल्प देते हैं, हम घोषणा पत्र नहीं देते हैं, भाजपा संकल्प देते हैं। भाजपा संकल्प जो दे ही रही है, आप देखिए आम जो जनता है किस तरीके परेशान है, महंगाई तो बढ़ी है, विकास कहां से बता रहे, विकास हर जगह हो रहा है, युवा परेशान, कहीं रोजगार। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहां दिखेगा? 100% दिखेगा सर, 100% दिखेगा। आज देश में जो स्थिति है, जो बेरोजगारी की दर है वो 8% है, और खासतौर से ग्रेजुएट्स में वो बेरोजगारी की दर 40% है। आज 10 साल शासन करने के बाद मैं बोला नहीं बीच में, इस एटिकेट को निभाइएगा। आज 10 साल शासन करने के बाद ज्ञानेंद्र जल्दी जल्दी लोगों से बात करेगा फिर, क्योंकि और भी लोगों के पास जाना है। बिल्कुल, और लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि क्या कहना है। क्या आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और मोदी जी लगातार गारंटी दे रहे हैं, किससे इत्तेफाक रखते हैं आप? भ्रष्टाचार पत्र है जो कांग्रेस ने जारी किया। कांग्रेस का पत्र भ्रष्टाचार पत्र बता रहे हैं क्या? आपका कोई रिएक्शन? कुछ रिएक्शन नहीं, मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है जी। मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है, घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र झूठा है। नहीं अच्छा, इनका कहना है कि संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी नहीं, कांग्रेस के संकल्प पत्र से इत्तेफाक रखते हैं। आपका क्या विचार? चलो ज्ञानेंद्र लौटेंगे हमारे साथ, विजय भी नोएडा से जुड़े हैं, विजय का रुख कर लेते हैं नोएडा में। विजय आप जरा पूछिए लोगों से, नोएडा के लोग कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस संकल्प, इस जो घोषणा पत्र है, जो उसका न्याय पत्र दिया गया है, या मोदी की गारंटी पर विश्वास है उनको? जी बिल्कुल, मतलब कई सारे लोग हैं, उनका उनसे बातचीत करूंगा। इस तरह कांग्रेस ने अपना पत्र जारी किया, मोदी गारंटी, तो कैसे देखते हैं दोनों? देखिए कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, ये पिछले 70 साल में इनको होश क्यों नहीं आया कि ये कौन कौन सी गारंटी देनी चाहिए? आज क्यों याद आ रहा? इनके पास कोई नेता नहीं, सारे नेता इनके छोड़ के जा रहे हैं। संजय निरूपम जैसे नेता चले गए छोड़ के, और कल गौरव बल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इनके बड़े बड़े प्रवक्ता छोड़ के जा रहे हैं, इनके अपने आदमी छोड़ के जा रहे हैं, इनके पास कोई नेता ही नहीं, ये फर्जी सब दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये सब गारंटी सब बोखलाबाजी है, इनका कोई भी ईमान धर्म नहीं है। ये लोग देश को बेच भी सकते हैं, ये वो लोग हैं। ये कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, पहले राजीव भी हुआ करते थे, इसके बाद अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो कोई ये काम की बात कर, ये काम की बात नहीं करनी है, नहीं ये सब दिखावा है। उनसे ही बात करेंगे कि मोदी गारंटी है कांग्रेस पर, कैसे देखते दोनों? अब ये मोदी जी की जो गारंटी है, पता नहीं 15 लाख किस किस के अकाउंट में आए, ऐसी तमाम गारंटी उन्होंने रोज देते हैं, रोज उन्होंने हर चुनाव में कुछ ना कुछ गारंटी लेके आ जाते हैं, पर पता नहीं कितने लोगों में 15 लाख आए, शायद उद्योगपतियों के पास में 15 लाख आ गए, पर हम आम इंसान के पास नहीं आए। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, आज भी फसलों किस तरीके से देखने लगता हूँ। पहली बात तो ये 15 लाख का वादा किया गया, 15 लाख का कोई वादा नहीं किया था, किया गया था 15 लाख अकाउंट खुलने का, जो कि हमारे अकाउंट में आएंगे, पूरे पैसे नहीं बात की गई थी कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, ये हुआ था। सर जो भी हमने गारंटी की है वो हमारे बीजेपी की तरफ से सर कोई वो मतलब कमी नहीं आई है, और कांग्रेस जो भी वादा करती है सर आज तक पूरा नहीं हुआ है। और आपने देखा होगा मनमोहन सिंह के टाइम पे जब प्रधानमंत्री थे तो सोनिया जी निभाती थी उनके पद को, कभी मनमोहन सिंह जी ने नहीं निभाया। जहाँ भी बड़ी बड़ी वो होती थी आपकी, बड़ी बड़ी सर वो सभाएं होती थी, मेन कुर्सी पे सर सोनिया जी बैठती थी, कभी मनमोहन सिंह को नहीं बैठाया गया। वो आपने सुना, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं जी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, सैयद अख्तर भी हमारे साथ रायबरेली से। सैयद जरा रायबरेली के लोगों से पूछिए, क्योंकि ये तो सोनिया गांधी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र भी है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, रायबरेली के लोगों का क्या है कहना इसको लेकर? जी बिल्कुल, रायबरेली गढ़ है कांग्रेस का, सोनिया गांधी यहाँ से सांसद है। क्या नाम है? पुनीत जी। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है न्याय पत्र के नाम से, और ज्यादा आपको कारगर दिखता है या मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प पत्र? मोदी की गारंटी, क्यों? मोदी का संकल्प क्यों?
अरे क्योंकि अब पता ही क्या है, कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट बची है, उस पर कर क्या सकती है, और अपने आप में ही ये मिटती जा रही है। यही है। आज तो जो कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया है उसमें बड़ी बड़ी बातें कही है कि वो बुलडोजर वालों को कार्रवाई करेंगे, या जो जांच एजेंसियां हैं उनकी वो कम करेंगे, पावर कम करेंगे। तो बातें तो बड़ी कर रहे हैं, तो क्यों कारगर नहीं है कांग्रेस का न्याय पत्र? कांग्रेस तो इस पते नहीं है कि जब भी देखिए तब निर्णय कुछ और होता है, काम कुछ और करते हैं, इस पते से कारगर नहीं। अच्छा, ये एक बार और, क्या नाम है आपका? साबिर खान। साबिर खान साहब, कांग्रेस का न्याय पत्र या मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी जरूरी है, मोदी जी है तो मुमकिन है, अब की बार चार सौ बार भाजपा सरकार। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो नारा है उनका। नारा नहीं है, आपकी आप देख लीजिए, रायबरेली अमेठी भी कांग्रेस हार जाएगी। रायबरेली क्यों? रायबरेली तो कर रहे, वो भी हार जाएगी। सैयद, कुछ महिलाएं भी पीछे खड़ी है, महिलाओं से भी जान लीजिएगा, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी कांग्रेस? मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं, वो चाहे पेंशन की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, तमाम तरह की जो योजना है, उन गारंटी पे ज्यादा भरोसा है या जो कांग्रेस अपना संकल्प पत्र लेकर के नया पत्र लेके आ रही? मोदी जी नया पत्र लेने उससे गए, ऐसा क्यों? क्योंकि वो रखता है, बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, तो क्या भरोसा करेगा? क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका का वही कहना जो खुद मोदी जी मंचों से बोलते हैं कि जो हम कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। चलिए, मैं लौटूंगा, अब एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मयूर भी जुड़े हैं लखनऊ का। मयूर, जल्दी से एक बार फिर पूछिए तमाम लोगों से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी देंगे जो कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा, बहुत सारी जो जांच एजेंसियां हैं जिनके जो मामले हैं उन्होंने कुछ एजेंसियों की बात भी कही है कि देखिए उन एजेंसियों के जिस तरह इन्होंने कब्जा किया उनको कहीं ना कहीं ठीक करना है, सिस्टम को ठीक करना है, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हुआ उसकी जांच कराएंगे। पूछिए लोगों से जल्दी से। मेरा नाम कमलेश पांडे। कमलेश जी, बताइए कांग्रेस के न्याय पत्र पे आपको भरोसा है कि मोदी की गारंटी पे? देखिए, न्याय पत्र तमाम जारी होते रहते हैं, लेकिन काम कौन करके दिखाता है ये देखने की बात। कौन किया है काम आपके लिहाज? अब जहां तक बात है तो मोदी जी ने जितने वादे किए थे उसमें मैं समझता हूं कि 85% तक तो किए ही है। 85% किए, आपके क्या राय? हमें मोदी गारंटी पे भरोसा, मोदी गारंटी पूरा भरोसा है। जो कांग्रेस का ये न्याय पत्र तमाम चीजें जो घोषणा करने की, हम ये कर देंगे वो करेंगे, इसके पहले कांग्रेस सरकार में थी क्या की? कुछ की? आप किया ही नहीं आज तक। क्या किया? मेरे समझ से कुछ नहीं किया, मुझे मोदी गारंटी भरोसा है पूरा। सरकार के हिसाब से कुछ नहीं किया भाई साहब? अगर कांग्रेस का भारत को आजाद कराने में पूरा भूमिका है, इन्होंने 10 साल में किया क्या है? बनाया हुआ, जैसे पुरखा लोग कहते हैं ना, बाप बनाया बेटवा बेच के लंबे भागा, तो कांग्रेस ने बनाया है, इन्होंने जब आया है तो इसको बर्बाद ही कर रहे हैं। कांग्रेस ने बनाया है, बीजेपी सब बेच के भाग गई। देखिए, ऐसा है, ये वही लोग हम बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से छुटकारा पाकर ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राम मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं लोग, ठीक है। और ये आज की डेट में समाजवादी पार्टी में जो भी कार्यकर्ता नेता है समाजवादी पार्टी में रहते हुए कोई वहां पे जाके जय श्री राम का नारा लगा दे, तुरंत ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय गेट से कह रहे हैं कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकता। अरे यार, राम का सबसे बड़ा पुजारी हम लोग हैं, मैं घनश्याम आदिवासी बोल रहा हूँ, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का आदिवासी, नकली जय श्री राम का, नकली राम भक्त है। अरे हम मंदिर चले गए, अभी चले गए हम। चलिए मयूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।